सीड जर्मिनेशन। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक नहीं है, हम कह रहे हैं लास्ट है, अभी इसके बाद भी एक टॉपिक डिस्कस करना है। अभी आप हेडिंग बना लो सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दो मेन टाइप्स हैं, बस भाई एक स्पेशल एडोप्टेशन है। किसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन का बिहेवियर कैसा है इसके बेसिस पर। ये बेसिस क्या है यहां पे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के बेसिस पर, कॉटिलिडन के बिहेवियर के बेसिस पर जर्मिनेशन बेसिकली देखो मेन दो ही टाइप के होते हैं, बट एक स्पेशल कंडीशन है तो उसके लिए बार हमें बात करनी है। पहला एपीजियल जर्मिनेशन एंड सेकेंड वन इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये दोनों मेन टाइप्स हैं सीड जर्मिनेशन के। एक स्पेशल जर्मिनेशन भी होता है जिसे हम बोलते हैं विवीपेरस। क्या बोलते हैं? विवीपेरस। तो बेसिकली दो ही हैं टाइप्स, कौन कौन से? एपीजियल एंड हाइपोजियल। विवीपेरस स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है, तो इसके बारे में भी हमें आपको बात करनी है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ आता है, एपी और हाइपो, बोलो ये इसका मतलब पता है? एपी का मतलब अपॉन, ऊपर, और हाइपो का मतलब बिलो, नीचे। अभी हमने बेसिस किसका देखा? कॉटिलिडन का। कॉटिलिडन के बिहेवियर के बेसिस पर हम ये जर्मिनेशन देख रहे हैं। जब सीड सो किया जाए, देखो ये हमने मान लिया कि ग्राउंड का लेवल है, आप जो सीड सो करोगे वो बिलो द ग्राउंड लेवल होगा। यहां पे मान लिया कि आपने सीड सो कर दिया, ठीक है। जब सीड का जर्मिनेशन शुरू होगा तो अब दो वर्ड मैं आपको याद दिलाऊं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से क्या बनता है? शूट सिस्टम, और हाइपोकोटाइल से रूट सिस्टम। अब वर्ड क्या यहां पे है? एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब हुआ कि अबव द या अपॉन कह दे, जो सीड है उसको ग्राउंड के ऊपर आना है। कहाँ आना है? ग्राउंड के ऊपर आना है। ये स्ट्रक्चर जो एपिकोटाइल है वो बनाएगा शूट सिस्टम, ये बनाएगा रूट सिस्टम। पॉसिबिलिटी क्या है कि सीड को ऊपर लाने का, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, कैसे ये सीड ऊपर आ सकता है वो आपको सोचना है और बताना है। अगर ये जो एपिकोटाइल है ये ग्रो करता गया, एज जो दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ है हाइपोकोटाइल के कंपैरिजन में, इसका रेट ऑफ ग्रोथ तेज हो गया, फास्ट हो गया, तो सीड तो नीचे के रह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये मैं बोल दूं कि हाइपोकोटाइल का जो ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ है जो, वो फास्ट हो जाए एज कंपेयर टू एपिकोटाइल, तो सीड कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इस जर्मिनेशन में जब आप सीड सो करते हो, ड्यू टू हाई रेट ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, किसका? हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल भी ग्रो कर रहा होगा बट उसका रेट ऑफ ग्रोथ है वो जो स्लो रहेगा। कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। इसका ग्रोथ रेट हाई होने के नाते जो सीड है वो आपका आने लगता है ग्राउंड के सरफेस की तरफ। किधर आने लगेगा? इवन फाइनली ये इनके कॉटिलिडन्स जो हैं वो अबव द सरफेस आ जाते हैं। ऐसा तब आप वर्ड यूज करोगे एपीजियल जर्मिनेशन। ऐसा जर्मिनेशन आपने देखा हुआ है? देखा हुआ, तो लिखो इसमें क्या लिखना है एपीजियल जर्मिनेशन में। ड्यू टू हाइपोकोटाइल ग्रोथ या इलोंगेशन, एक बात बस इतना नोट करना है, ड्यू टू
हाइपोकोटाइल ग्रोथ और इलोंगेशन कॉटिलीडेंस कम्स आउट ऑन सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल का ग्रोथ जो होगा वो फास्ट होने के नाते इनका जो कॉटिलीडन है वो कहां आ जाएगा, सॉइल सरफेस पर आ जाता है, ये ध्यान रखना। कैप्सुला कैस्टर, इनके एग्जांपल लिखना, पहला नाम कैप्सुला कैस्टर टैमरिंड टैमरिंड और जितने भी बीन्स हैं, बीन इन सब में जो सीड जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, एपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा टाइप है जर्मिनेशन का वो कौन सा है, सॉरी हाइपोजियल जर्मिनेशन, जस्ट इसका अपोजिट सोचना है। यहां पे किसका ग्रोथ हुआ, हाइपोकोटाइल का, इसलिए कोटिलीडन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो जर्मिनेशन होगा उसमें ग्रोथ किसका हो जाए, एपिकोटाइल का ज्यादा हो जाए तो कोटिलीडन बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इस जर्मिनेशन का डायग्राम अपन नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, कौन सा हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करने जा रहे हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाओगे, सीड यहां है और सीड का लेवल जो होगा वो सेम रहेगा, रेडिकल या हम बोले तो क्या इसको बोलेंगे, क्या हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल ग्रो करता रहेगा। एपिकोटाइल की ग्रोथ रेट ज्यादा है तो ये एपिकोटाइल सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएगा और सीड जो है, सीड का जो कोटिलीडन है वो हमेशा बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। इसको बना लो, इसका लेबलिंग जरूर कर लेना, ये क्या है प्लोम्यूल और ये रेडिकल, क्या बनाएगा ये बोलो भाई, सूट सिस्टम, और ये क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। अब यहां पे जो कोटिलीडन है, ये कोटिलीडन जो रहेगा वो आपका हमेशा कहां रहेगा, बिलो सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के नीचे ही रहेगा। अब यहां स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल कोटिलीडन रिमेन्स बिलो सॉइल सरफेस, हमेशा वो सॉइल सरफेस के नीचे ही रहेगा और जो ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं उनमें सीड जर्मिनेशन ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल लिख लो, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स एंड फ्यू डाइकॉट्स, कुछ डाइकॉट्स में भी इस टाइप का जर्मिनेशन होता है, फ्यू डाइकॉट्स। मोनोकॉट में इनके एग्जांपल लिख लो, मोनोकॉट के एग्जांपल लिखना, मेज वीट राइस
कोकोनट, ठीक। ये कुछ मोनोकॉट के एग्जांपल हो गए। डाइकॉट के कुछ एग्जांपल लिख लो, जो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, पी, पीनट एंड मैंगो, पी, पीनट एंड मैंगो, ये है तो डाइकॉट, बट जर्मिनेशन कैसा होता है, हाइपोजियल का सीड जर्मिनेशन है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, विविपेरस जर्मिनेशन। हेडिंग बनाओ, विविपेरस जर्मिनेशन। एक वर्ड है यहां पे विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, आपने दो एनिमल्स के कैटेगरी पढ़े थे, ओविपेरस और विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है जो, हाँ जी, यंग वंस को बर्थ करे, दैट इज अ विविपेरस। ओविपेरस क्या होगा, जो एग ले करे, क्या करे, एग ले करे। यहां सीड जर्मिनेशन है, विविपेरस जर्मिनेशन है। विविपेरस का मतलब, विवि का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ यंग वंस। किसके फॉर्म में, यंग वंस। अभी जो सीड आप सो कर रहे थे, सीड क्या था, एक एम्ब्रियो के साथ था, एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, वो हम जर्मिनेट करते हैं, यंग वंस सॉइल के अंदर जर्मिनेशन के दौरान वो तैयार होता है। लेकिन आप ऐसा प्लांट भी होता है कि प्लांट बॉडी में ये फ्रूट लगा, फ्रूट के अंदर सीड बना, फ्रूट के अंदर क्या बना, सीड बना, सीड इसी फ्रूट में लगे हुए इंटैक्ट प्लांट पे, मतलब फ्रूट जो फ्रूट है वो प्लांट पे लगा हुआ है, और सीड इसी फ्रूट के अंदर रहते हुए जर्मिनेट कर जाता है। क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। ये ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंटैक्ट सीड में, मतलब सीड कहाँ लगा हुआ है, अभी फ्रूट में है और फ्रूट प्लांट से लगा हुआ है, इसके साथ ही जर्मिनेशन हो जाए, इस कंडीशन में जब जर्मिनेशन होता है तब बोलते हैं उसको विविपेरस जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, विविपेरस जर्मिनेशन। अब ये कहाँ के लिए प्रॉब्लम है, किस प्लांट्स में ऐसा होता है, सभी प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। जो प्लांट्स आपके मार्सी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, कहां पे, मार्सी प्लेसेस पर। मार्सी प्लेस का प्रॉब्लम क्या होता है कि वाटर बहुत ज्यादा, वाटर लॉगिंग होता है, सॉइल में बहुत सारा पानी होता है, ये बात तो समझ आती है ना। जब सॉइल में बहुत सारा पानी है, मतलब क्या, क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई सीड को, जो लूजनिंग ऑफ सॉइल हम सीड सो करने से पहले करते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना गीली मिट्टी है, उसकी हम लूजनिंग सॉइल कर ही नहीं सकते। अगर इसके अंदर आपने सीड डाल दिया, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी जाने नहीं देगा, सॉइल पोरस है ही नहीं, सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, मर जाएगा। सीड क्या कर जाएगा, यही मर जाएगा। बात समझ आई। इस प्रॉब्लम से कम आउट के लिए, बाहर आने के लिए, अब इसको क्या करना पड़ता है इन प्लांट्स को, कि भाई यहां हमारे लिए तो सॉइल अच्छा कंडीशन में नहीं है कि हम सॉइल के अंदर सीड को जर्मिनेट कराएं, वो प्लांट बॉडी में सीड लगा रहता है, उधर ही जर्मिनेशन हो जाता है, प्लांटलेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये प्लांटलेट बन जाता है, और ये जो प्लांटलेट है ये फिर इस प्लांट से डिटैच होता है, पेरेंटल प्लांट से तब डिटैच होता है। अब यहां ये गिरेगा तो इसको सरवाइव होने का चांस है, अपना वो रूट सिस्टम डेवलप करेगा, रूट सिस्टम से अपना वो फूड बना लेगा, यहां जर्मिनेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो बात समझ आई, तो इन इस बात को नोट करना है, बस लिखो, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का सीड जर्मिनेशन है, विच अकर्स इन मार्सी प्लांट। कौन से प्लांट में, मार्सी प्लांट, ठीक है, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैंग्रोव प्लांट, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लेना, मैंग्रोव प्लांट। चलो भाई,
तो किन प्लांट्स में आपको विविपैरस जर्मिनेशन देखने को मिलता है? जो मैनग्रूव्स होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो आप लिख लो। सॉइल हैज नॉट सप्लाइड विद, या सॉइल नॉट सप्लाइड विद लिखना, हैज की बात नहीं करेंगे, सप्लाइड विद ऑक्सीजन, सो दैट, इधर पानी है, टेम्परेचर है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट सीड जर्मिनेशन, इस कंडीशन में आपका सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखो, राइजोफोरा राइजोफोरा एविसिनिया एविसिनिया और एक नाम और लिखना, सोनीरेटिया, ये डबल एन लिखना एविसिनिया में, एंड सोनीरेटिया, नाम थोड़े से ध्यान से लिखने हैं, डबल एन सोनीरेटिया। ये इस सीड का, जो यहां पे इस फ्रूट में सीड बना, ये अपन ने क्या रिप्रेजेंट किया है, फ्रूट, और इसके अंदर जो आपने रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, सीड। जो सीड का जर्मिनेशन हुआ वो कहां हुआ, प्लांट बॉडी में ही हुआ है, प्लांट बॉडी के अंदर ही हुआ है, नेचुरल उसका हैबिटेट है, इस सीड का वो क्या है, जहां पे वो सीड बना नेचुरली उधर ही है, आर्टिफिशियल हैबिटेट में आया नहीं है, इसलिए इस जर्मिनेशन के लिए एक टर्म लिखते हैं, इन सीटू जर्मिनेशन, क्या लिखेंगे, इन सीटू जर्मिनेशन भी बोलते हैं। इन सीटू का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन, एक्स सीटू का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशन। तो हम जो नॉर्मल सीड जर्मिनेशन कराते हैं वो आर्टिफिशियल कंडीशन है, सॉइल है वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके आर्टिफिशियल कंडीशन में वो जर्मिनेट करता है। सीड का नेचुरल होम क्या है, उसका फ्रूट, और वो इंटैक्टेड हो प्लांट से। अभी ये विविपैरस कंडीशन में इंटैक्टेड फ्रूट में सीड जर्मिनेट करता है तो कैसा जर्मिनेशन होगा, इन सीटू जर्मिनेशन होता है। लास्ट में ये भी लिख लो, दिस टाइप ऑफ दिस जर्मिनेशन इज ऑल्सो नोन एज इन सीटू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की हो गई कहानी खत्म, अब अपन बात करेंगे फ्रूट के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं समझना है क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैं तो इस जानना चाहता हूं आपसे कि कितना पढ़ा हुआ है। हेडिंग बना लो फ्रूट, और ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट में, या फिर हम फ्रूट के लिए लिखे क्या, मैच्योर ओवरी ही क्या है, मैच्योर ओवरीज फ्रूट, यही फ्रूट है प्लांट के केस में, ठीक है, एनिमल के केस में मत समझ लेना इसको। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया हुआ है, ओवरी के अंदर की ये क्या था, ये ओवरी हो गया, ये क्या है, ओव्यूल। तो पीछे आपने यही डिस्कस किया कि ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में, सीड तो बन रहा है, उसके साइमल्टेनियसली ये ओवरी भी मैच्योर हो रही होती है, और ये मैच्योर होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। अब ये जो फ्रूट है ये दो टाइप के आपने पढ़े थे, एक को हम बोलते हैं क्या, ट्रू फ्रूट्स। मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं, आपको सारा पता हुआ पता है, बस आपको ये समझ के रखना है, बस
और दूसरा फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब हुआ क्या, जो ऐसा फ्रूट जिसमें सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व हो, ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी इन्वॉल्व हो फ्रूट के फॉर्मेशन में, इन फ्रूट फॉर्मेशन, बस ये बात लिख लो, इन फ्रूट फॉर्मेशन ओनली ओवरी इन्वॉल्व। और फॉल्स फ्रूट में क्या लिखते हैं, बोलो भाई, ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी के अलावा कोई और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो तब उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इन फ्रूट फॉर्मेशन एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर का कोई एक नाम बताओ जो आपने पढ़ा था, थैलेमस। अच्छी बात है, ये आप यहां ब्रैकेट में लिख लो, थैलेमस इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन या इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्म, लिख लिया पहले ही, इन फ्रूट फॉर्मेशन इन विच एडिशनल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, बस इन्वॉल्व लिख लो, बस बात खत्म, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो ज्यादातर आपके फ्रूट्स जो है वो ट्रू फ्रूट्स हैं। इधर अपन ने बात करा था किसका, एक तो एग्जाम्पल याद रखना है एप्पल का, एक दूसरा स्ट्रॉबेरी का नाम याद रखना है। अजी हाँ, तो ये दो, कम से कम ये दो नाम आपको याद रखने हैं। अब देखो एक और जो बात आपको समझनी है, ये जो ओवरी है, ओवरी का जो आउटर कवरिंग है जिसे हम बोलते क्या है, ओवरी वॉल, यही ओवरी वॉल ही कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट वॉल में, किसमें, फ्रूट वॉल में, किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल को एक टर्म दिया जाता है, दैट इज अ पेरिकार्ड। तो ये आपको बात लिखनी है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रूट वॉल, या पूरी बात लिख लो, पूरी बात क्या लिखोगे, ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट वॉल में, एंड फ्रूट वॉल नोन एज पेरिकार्प। और पेरिकार्प बना होता है थ्री लेयर्स, तीनों का नाम बोलो, मीजोकार्प और एंडोकार्प। फ्रूट में यही कोई तीनों लेयर में से कोई एक लेयर एडिबल होती है, है ना, वो आपके फ्रूट का आगे डिसाइड भी करता है कि फ्रूट फ्लैशी होगा, है ना, कैसा होगा, वो आपको बात पता है। कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट, है ना, ये बात आप लिख लेना। सिंपल फ्रूट, कंपाउंड फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ये सारे टर्म्स आपको पता है। सिंपल फ्रूट कैसे बनता है, एग्रीगेट फ्रूट कैसे बनता है, कैसे बनता है, किस कंडीशन में बनेगा, फ्रूट के दो टाइप्स हमने बताए थे। देखो इधर, सिंपल और एग्रीगेट। सिंपल फ्रूट बनता तब है, वो कंडीशंस लिख लो यहां पे, मोनोकार्पिलरी या फिर मल्टीकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी कंडीशन की ओवरी हो। बट इसके साथ एक बात यूनिवर्सल है कि ये ओवरी सिन कॉर्पस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिन कॉर्पस होनी चाहिए,
सारे कार्पल्स फ्यूज होने चाहिए, तब आपका जो फ्रूट बनता है वो कैसा फ्रूट होता है? सिंपल। यहां पे क्या होगा? मल्टी कार्पिलरी होगा, मल्टी कार्पिलरी होगा कंडीशन। बट ये जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन है वो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कार्पल्स है वो फ्यूज नहीं होने चाहिए, तभी उनका एग्रीगेशन होगा, वो एक बंच बनाएंगे। वो कंडीशन क्या हो जाती है? एपोकार्पस कंडीशन। तो ये दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट है होनी चाहिए, एग्रीगेट फ्रूट और सिंपल फ्रूट के बारे में। और बहुत अच्छा होगा कि आप जरूर एक बार जाके 11th वाला टॉपिक वो फ्रूट उठा के जरूर देख लें, और 12th में जो भी आपके फ्रूट्स के लिए लाइंस लिखी हुई हैं वो पढ़ लें। ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये एक तरह से आपका रिवीजन है और इसको आप कर लेना। आगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के प्रस्पेक्टिव से। ऐसे सवाल घुमा घुमा के मारता है, पूछता नहीं मारता है, ये दिमाग की हवा निकलने लगती है। वो है, ज्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ तो पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हेडिंग बनाओ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते ही दिमाग में आपको समझ आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में कंपैरिजन करवाया था, क्या क्या? गैमेट फॉर्मेशन होगा, होगा गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, मियोसिस होगा, बोलो भाई, नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इस रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, सिंगल पेरेंटल पेरेंट रिक्वायर्ड, वो नया प्लांट बना देता है। इतनी बात आपको याद है। एक और बात मैं आपको यही समझा दूं, जो इसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है ना। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल होते हैं, एंड टू देयर पेरेंट्स। वाह भाई वाह, एंड टू देयर पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स से भी ये आइडेंटिकल होते हैं। अब एक वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, आई थिंक सबको ये, जिनको नहीं पता है वो इसको दिमाग में प्रिंट करो, क्लोन। क्या वर्ड है? क्लोन। क्लोन हम किनको बोलते हैं वो लिखो, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, क्या क्या? मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है। इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स एक्सटर्नली जो है उनका अपियरेंस है, और जेनेटिक कॉम्पोजिशन उनका आइडेंटिकल जिनका होता है उनको हम क्या नाम दे देते हैं? क्लोन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक्चुअली क्या बनते हैं? क्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोन बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे, क्या कहे जाते हैं? क्लोन कहे जाते हैं।
अब ये सारे जो टर्म्स लिखने जा रहे हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसका टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन ये मिमिक्स करता है। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, दिखना वैसा, होता नहीं है, होता नहीं है लेकिन लगता है वैसा, तब इसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब लिख लो पहले, ये ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से बना हुआ है एपो। एपो का मतलब होता है विदाउट और दूसरा वर्ड है मिक्सिस, इसका मतलब होता है मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग। किसका विदाउट मिक्सिंग? ये एक्चुअली कुछ स्पेशल मेथड है, कुछ फैमिलीज में देखने को मिलता है जिनमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट सीड बनते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स आर प्रोड्यूस, तब इस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एपोमिक्सिस। लिखो, इन सम प्लांट्स, अब ब्रैकेट में लिख लेना ग्रासेस मेनली है, ग्रासेस एंड कुछ एस्टेरेसी फैमिली के प्लांट्स हैं। इन सम प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब इसके लिए वर्ड लिखते हैं क्या? एपोमिक्सिस। अब सुनो ध्यान से, एपोमिक्सिस में क्या देखा कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, ठीक, और वो सीड वाइबल भी होते हैं, मतलब वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना भी सकते हैं। अब सोचो जरा, अब जो पूरी प्रोसेस आपको अपने पढ़ रखा है, फर्टिलाइजेशन के दौर में पोलिनेशन होना पड़ता है, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन अचीव करने के लिए वो इंटरेक्शन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट चलता है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो बाईपास कर दिया गया, अब होना ही नहीं है। मान लो जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने वाला है तो ना तो पोलिनेशन की जरूरत है, ना पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन की जरूरत है, ना किसी एंट्री की जरूरत है, ना एम्ब्रियो के बनने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। हो जाए, बिल्कुल होगा, अभी सुनो तो पहले, तो ये बाईपास कर दिया जाएगा। बहुत सारे इवेंट्स, जब कोई चीज हम बाईपास कर देते हैं तो टाइम बच जाता है, नहीं बचता भाई? तुझे उधर से क्या नाम है, इधर सिरसा से हिसार जाना है, शहर के अंदर से जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आएगा, बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, और इधर बाईपास से कम टाइम में आप पहुंच जाओगे। बाईपास इसीलिए बनाया है, कोई इवेंट्स को बाईपास करने का मतलब होता है कि रेट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जैसे हम सीड प्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा, तो इस एपोमिक्सिस का यूज करा जाता है क्विक प्रोडक्शन के लिए। भाई आपको बहुत जल्दी बहुत सारा सीड चाहिए, कराओ एपोमिक्सिस से, तो ये एक बहुत अच्छा कमर्शियल यूज है इसका। लिखो इसके बाद, एपोमिक्सिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंड
प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स। अब आपको मान लो कि कोई बनाना की अच्छी वैरायटी मिल गई, वो तो उसके केस में चलो सेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जिनमें ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके सीड के थ्रू हम जर्मिनेशन करवाते हैं और वो सेम कैरेक्टर हमें ट्रांसमिट करना है, कोई कैरेक्टर में चेंजेस नहीं चाहिए। अगर वो सेक्सुअली करता है तो चेंजेस आएंगे, और एज इट इज चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाईपास करना पड़ेगा। तो इस बाईपास की मेथड से हम जल्दी से बहुत सारा प्लांट उसका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एक क्विक मल्टीप्लीकेशन करवाना है और आपको सेम एज इट इज प्लांट बनाना है। तो किससे? फ्रॉम सिंगल पेरेंट, लिख लो यहाँ पे आगे, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट फ्रॉम सिंगल पेरेंट। एक प्लांट बॉडी चाहिए होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो गैमेट का लोड यहाँ है ही नहीं, है ना। फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में दो टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कितने टाइप का? दो टाइप। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? मिमिक्री है। मिमिक्री समझते हो क्या? कॉपी करना, नाटक। नाटक समझते हो? पूरी आपकी जो एक्टिंग वाली इंडस्ट्री है नाटक कर रही है, कभी किसी का कभी किसी का। अब उसमें और आ गया है वो क्या, कॉमेडी, वो उस बॉलीवुड की या जो उस एक्ट्रेस की कॉपी करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है एक्चुअली। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स हैं वो देखो। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या ऐसा लिख लो, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास दो मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक के लिए टर्म लिखेंगे, पहला लिखो अगैमोस्पर्मी, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और आपने ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये टेंथ में पढ़ा हुआ है बट समझ नहीं आया, बट क्या करें, इधर आपको ये पढ़ना नहीं है। ये जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, अभी का टॉपिक ये नहीं रहेगा, बट इसका बस मतलब आप समझ लो, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में बोले तो लीफ स्टेम रूट, इनसे जब भी कोई प्लांट बनाया जाए, इनसे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करे जाएं, तब उसको हम बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। उधर हमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, डिटेल हमें बात करनी है इस अगैमोस्पर्मिक। हेडिंग बनाओ अगैमोस्पर्मिक। अगैमोस्पर्मी का मतलब लिखो, एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट। एम्ब्रियो तो बनता है इसमें, देखो जो मैं टर्म्स जैसे लिख रहा हूं ना, ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से ऐसे याद करो, एम्ब्रियो तो बनता है बट विदाउट विदाउट यहां लिखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। ना तो मियोसिस होता है ना फर्टिलाइजेशन, बट एम्ब्रियो बनता है, कितनी अच्छी बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन या एंड मियोसिस एम्ब्रियो इज फॉर्म। और ये कई टाइप से होता है। जो अगैमोस्पर्मी है वो कई टाइप का होता है। एक बात आपको मैं क्लियर करूं,
तो जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है, और जाइगोट की पोलाइडी कितनी होती है, डिप्लोइड होता है, इससे बनने वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो कहा जाएगा। तो मतलब एम्ब्रियो का भी जो पोलाइडी होगा वो कैसा होगा, डिप्लोइड होगा, इतना ध्यान में रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इट इन्वॉल्व इट अकर्स इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, ऐसा करके आप इनके टाइप्स पे चलो। इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला टाइप है डिप्लोस्पोरी, वैसे ये बोर्ड में तो नहीं है, इधर थोड़ा वर्ड मिलेगा, कुछ कुछ वर्ड मिलेंगे। एपोमिक्सिस मिल गया, ये पॉलीएम्ब्रियोनी भी आगे मिलेगा। चलो देखते हैं, जो जो है आप देख पढ़ लेना इसको, बट कुछ एडिशनली टर्म्स समझने हैं। पहला हेडिंग बनाओ क्या, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी में क्या होता है वो देखो। एम्ब्रियो बनेगा, हमेशा एक बात याद रखना, एम्ब्रियो बनेगा, क्या होगा, बट बिना मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो मेगा स्पोर, अब आपके प्रीवियस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, मेगा स्पोर मदर सेल, कौन सी, मेगा स्पोर मदर सेल, कैसा पोलाइडी होता है इनका, 2N, बहुत सही। ये मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा दे, डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तब बोला जाता है डिप्लोस्पोर। लिखो, हाँ जी, 2N होगा, बिना मियोसिस बिना फर्टिलाइजेशन तो एन ही हो, 2N, जो यहां होगा वही यहां होगा। एम्ब्रियो सैक बना तो आगे आपको बात समझ है, एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है वो कौन से सेल से बन रहा है, डिप्लोइड सेल से बन रहा है। तो आप जो यहां एम्ब्रियो सैक में आप यहां इधर तीन एंटीपोडल्स बनाओगे, दो सिनर्जिड बनाओगे, एग सेल बनाओगे, इनकी पोलाइडी भी तो कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी, ये एंटीपोडल्स की भी पोलाइडी कैसी होगी, पोडल्स की पोलाइडी 2N होगी, क्योंकि मियोसिस भी नहीं होता। इधर जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई है वो भी, और मेनली अगर अपन बात करनी है एग का भी पोलाइडी 2N होगा, एंड एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ये भी 2N होगा, बस कोई जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजेशन की, कोई जरूरत ही नहीं है मियोसिस। हाँ जी, हाँ नहीं, जय हाँ नहीं, जायगोट नहीं बोलेंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं, तो जायगोट नहीं, ये एग ही एम्ब्रियो बनाएगा। एग्जाम्पल लिखो, एक ये आपका प्लांट है पार्थीनियम, दूसरा टेरेक्सम, टेरेक्सेकम, ये दो प्लांट आप जरूर याद रखें। नोट करो जल्दी, एम्ब्रियो कब से हैप्लोइड हो गया, देख एम्ब्रियो सैक, हाँ बट यहां नहीं होता क्योंकि यहां मियोसिस ही नहीं होता, यही तो स्पेशल है।